पंजाब की चन्नी सरकार में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया है। सुखजिंदर सिंह रंधावा को गृह मंत्रालय दिया गया है। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने रविवार को राज्य मंत्री परिषद का पहला विस्तार करके 15 कैबिनेट मंत्रियों को शामिल किया था। इसमें 7 नए चेहरे हैं और अब कैबिनेट का बंटवारा भी हो चुका है। तो वहीं पंजाब के डिप्टी सीएम ओपी सोनी को स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि गुरकीरत सिंह कोटली को उद्योग और वाणिज्य मंत्री बनाया गया है और प्रगट सिंह को उच्च शिक्षा और खेल मंत्री बनाया गया है। मंत्रिपरिषद के विस्तार में रणदीप सिंह नाभा, राजकुमार वेरका, संगत सिंह गलजिया, प्रगट सिंह, अमरिंदर सिंह राजा बंडिंग और गुरकीरत सिंह कोटली नए चेहरे हैं। आपको बता दें कि राजा गुरजीत सिंह ने 2018 में अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल के इस्तीफे देने के बाद वापसी की है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि कौन सा मंत्रालय किसको मिला है। तो आपको बता देंगे चरणजीत सिंह चन्नी जो मुख्यमंत्री हैं उनको विजिलेंस, सामान्य प्रशासन, न्यायिक इन्फॉर्मेशन एवं पब्लिक रिलेशन, पर्यावरण, माइनिंग, सिविल एविएशन विभाग दिए गए हैं। साथ ही डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा को गृह विभाग, सहकारिता और जेल विभाग सौंपा गया है। साथ ही उन्हें डिप्टी सीएम की कमान भी दे दी गई है। साथ ही डिप्टी सीएम ओम प्रकाश सोनी को हेल्थ व फैमिली वेलफेयर, डिफेंस सर्विस वेलफेयर, फ्रीडम फाइटर विभाग उन्हें सौंपा गया है। साथ ही एक बड़ा पद जो डिप्टी सीएम का है वो भी सौंपा गया है। वहीं ब्रह्म मोहिंद्रा को लोकल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, इलेक्शन, ग्रीवियंस रिमूवल विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही मनप्रीत सिंह बादल को वित्त, टैक्स, गवर्नेंस, रिफॉर्मेंस, प्लानिंग विभाग सौंपा गया है। ये कुछ चेहरे हैं जो चन्नी के मंत्रिमंडल में शामिल हैं। साथ ही तृप्त राजेंद्र बाजवा को रूरल डेवलपमेंट एवं पंचायत, एनिमल हस्बेंड्री एवं डेयरी डेवलपमेंट विभाग सौंपा गया है। तो वहीं अरुणा चौधरी को रेवेन्यू, पुनर्वास एवं आपदा मैनेजमेंट विभाग सौंपा गया है। तो ये अरुणा चौधरी के लिए बड़ी जिम्मेदारी होगी खुद को साबित करने की। साथ ही आपको बता दें कि चरणजीत सिंह चन्नी जो मुख्यमंत्री हैं उनको विजिलेंस, सामान्य प्रशासन, न्यायिक इन्फॉर्मेशन एवं पब्लिक रिलेशन विभाग सौंपा गया है। तो वहीं डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा को गृह विभाग, सहकारिता और जेल विभाग सौंपा गया है।